हेलो फ्रेंड, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसएमडी रजिस्टर। एसएमडी रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे रजिस्टर जो एसएमडी रजिस्टर। एसएमडी रजिस्टर क्या होता है, एसएमडी रजिस्टर जो होता है वो एक टाइप का जो है छोटे आकार में होता है, जो लैपटॉप डेस्कटॉप लैपटॉप डेस्कटॉप एडाप्टर लॉजिक बोर्ड इन सब के अंदर लगा होता है। तो उस पर कुछ कोडिंग लिखा होता है, उसके नंबर लिखे होते हैं कुछ। उस नंबर को हम देख के उसकी वैल्यू को बता सकते हैं या निकाल सकते हैं कि ये ओम के अंदर है या किलो ओम के अंदर है, कितना किलो ओम है, कितना मेगा ओम है। तो विदाउट मल्टीमीटर मतलब बिना मल्टीमीटर के थ्रू हम उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसएमडी रजिस्टर, एसएमडी का मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस, मतलब बिल्कुल छोटे आकार का जो है, जिसको हम बोलते हैं चिप रजिस्टर। जो हमारा रजिस्टर जो एसएमडी रजिस्टर होता है उसको चिप रजिस्टर बोलते हैं। ये बहुत ही छोटे आकार का होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, जो उसके ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर कोडिंग लिखी होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कोडिंग लिखी है, यहाँ पे 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, मतलब 3 नंबर है। तो इसके ऊपर जो कोडिंग लिखी है, इस कोडिंग को हम कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को कंफर्म कर सकते हैं कि ये रजिस्टर जो है वो ओम के अंदर है या किलो ओम के अंदर है या मेगा ओम के अंदर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर है, ठीक है, और इस रजिस्टर पे 3 डिजिट लिखा हुआ है, जैसे 6R और 4। अभी हमने बताया कि जो रजिस्टर होता है वो चिप रजिस्टर मतलब एसएमडी रजिस्टर, उसमें जो होता है ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन होता है। किसी भी बोर्ड में, चाहे वो लैपटॉप का बोर्ड हो, एडाप्टर का बोर्ड हो या मोबाइल का बोर्ड हो या लॉजिक बोर्ड हो या डेस्कटॉप का हो, इसके अंदर कहीं पे भी रजिस्टर अगर लगा होगा तो वो होगा सिल्वर लाइन ब्लैक बॉडी, ठीक है, सिल्वर लाइन और ब्लैक बॉडी होगा, जिसमें जो होगा अगर उसकी बात करें तो उस पर कोडिंग लिखा होगा। कोडिंग जैसे ये लिखा हुआ है 6R और 4, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो ये जो ये आर लिखा है ना, आर के जगह पे क्या क्या लिखा हो सकता है, हमने यहाँ पे दिखा दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आर के जगह पे जो है वो के भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, और ये आगे भी स्टार्टिंग में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। आर या के या एम, आर का मतलब होता है ओम, यहाँ आप देखिए आर का मतलब होता है ओम और के का मतलब होता है किलो ओम और एम का मतलब होता है मेगा ओम, ठीक है। तो जहाँ पे भी आर लिखा होगा उसका मतलब होता है ओम, और जहाँ के लिखा होगा उसका मतलब होगा किलो ओम और एम का मतलब होगा मेगा ओम। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये 6R और 4 लिखा, बहुत ही सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे जो है 6 लिखा है, तो 6 की जो डिजिट है ना वो हमें सेम टू सेम लिखना है, बस जहाँ पे आर लिखा है ना आर के जगह पे हमें डॉट लगाना है, सिर्फ बस आर के जगह पे डॉट लगाना है। तो जहाँ पे भी आर लिखा होगा उसके बराबर डॉट लगेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ये 4R 4 2, तो R 4 2 का मतलब हुआ, जैसे आर शुरू में स्टार्टिंग में है तो आर के बराबर हमने बताया कि अभी डॉट लगेगा, और आर का मतलब होता है ओम, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये आर लिखा हुआ है तो आर के बराबर डॉट लगा दिया, उसके बाद से 4 और 2 वो सेम टू सेम लिख देंगे और जो वैल्यू हो जाएगा वो किस में होगा, ओम के अंदर, ठीक है। वैल्यू किस में हो गया, ओम के अंदर। तो जहाँ पे भी आर लिखा है वहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, 4 2 और ये हो गया ओम, तो ओम के अंदर वैल्यू हो गया। अगर इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ये 6.4 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं टू लिखा है तो 2.2 ओम हो जाएगा, क्योंकि आर के बजाय जगह पे हम ओम डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है 2.2 हो जाएगा। उसके बाद से K 2 4 लिखा हुआ है तो के बराबर डॉट लगेगा और 2 4 सेम रहेगा, तो ये किलो ओम हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1K 4 लिखा हुआ है तो 1K 4 का मतलब होगा 1 और के बराबर डॉट लगेगा और उसके बाद से 4 और किलो में वैल्यू हो गया। अगर मेगा ओम की बात करें तो ये एम लिखा है और 2 और 4, तो एम के जगह पे डॉट, उसके बाद से 2 4 मेगा ओम। तो ऐसे ही किसी भी रजिस्टर पर अगर
RKM अगर शुरू में लिखा है या लास्ट में लिखा है या बीच में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट मल्टीमीटर से, मतलब बिना मल्टीमीटर से चेक किए भी उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि ये कितने ओम का है या किलो ओम का है या मेगा ओम का है। बस जहाँ पे R लगा हुआ है वहाँ पे हमें डॉट लगाना है, K लगा है लिखा हुआ होगा वहाँ पे डॉट लगाना है, M लिखा होगा उसके बराबर डॉट लगाना है, और R का मतलब होगा लास्ट में जो वैल्यू होगा वो ओम के अंदर होगा, K का मतलब होगा किलो ओम के अंदर, और M का मतलब होगा मेगा ओम के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6.4, ये क्या होगा ओम के अंदर होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितना होगा 6.80 ओम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद से बात करें जिस पे जो है RKM ना लिखा हो, जैसे ये 3 डिजिट इस पे लिखा हुआ है और इस पे 4 डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जिस पे RK और M ना लिखा हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को सिंपल तरीका है इसको भी कैलकुलेट करने का, इसमें जो अगर 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है तो इसकी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो इसमें 2 डिजिट जो है ना, स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है मतलब 2 नंबर जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 4 और 7, हमने 4 7 लिख दिया, और तीसरा जो कोडिंग होगा जो भी नंबर होगा उसके बराबर 0 लगाएंगे। जितना कोडिंग होगा, अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, अगर यहाँ 4 होता तो 4 0 लगाते, 1 होता तो 1 0 लगाते। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमने 4 और 7 ये दोनों डिजिट यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद से जो है 2 है तो 2 0 लगा दिया, वैल्यू हो गया ओम के अंदर। ठीक है, तो ये वैल्यू ओम को हो गया। तो हमने जो रजिस्टर जो पिछले वीडियो में बनाया था उसमें हमने बताया था कि जो रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम जो जो ओम की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1000 तक होती है, मतलब 1000 तक होती है। तो अगर 1000 से ज़्यादा होता है ना तो उसको हमें वो डिवाइड करना होता है 1000 से। ठीक है, तो वो किलो में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया क्योंकि ये 1000 से ज़्यादा वैल्यू है तो ये किलो में कन्वर्ट होगा, तो इसको 1000 से डिवाइड करने पर ये वो आ गया 4.7 किलो ओम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 4.7 किलो ओम, सिंपल है। अगर 4 डिजिट का है तो उसका भी सिंपल तरीका है, स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट है उसको सेम लिख देंगे और चौथे के बराबर 0 लगाना हमें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग हमने जो है 3 डिजिट सेम लिख दिया, 1 तो यहाँ पे 1 लिख दिया, उसके बाद से 6 है तो 6 लिखा हुआ है, उसके बाद से 0 है तो 0 लिखा हुआ है, उसके बाद से 2 है तो ये लास्ट में 2 0 लग गया, मतलब लास्ट वाला जो कोडिंग होगा उसके बराबर 0 लगेगा। ठीक है, और वैल्यू किस में हो गया, ओम के अंदर वैल्यू आ गया इसका। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 1000 से ज़्यादा है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 16 किलो ओम। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रजिस्टर अगर वो 3 कोडिंग का है या 4 कोडिंग का है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर और भी ईजी हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर R लिखा हुआ है, ठीक है, 2 2 लिखा हुआ है तो R के बराबर डॉट लगेगा, जो हमने शुरू में बताया अभी कि R के बराबर डॉट लगाएंगे और 2 2 वैल्यू सेम लिखेंगे, और लास्ट में R के बराबर का मतलब होता है ओम, तो यहाँ पे हमने ओम लिखा है। उसके बाद से जो है ये अगर देख सकते हैं इसमें कोडिंग कैसा होगा, जैसे ये 5 R के बराबर डॉट लगेगा और 7 और R है तो ये किस में हो जाएगा, ओम के अंदर होगा, इसमें भी 5 2 5 2 हो गया और लास्ट में R है तो ओम के अंदर हो जाएगा वैल्यू। अगर ये किलो ओम की बात करें तो K के बराबर डॉट लगेगा, उसके बाद से 4 और 2 किलो ओम हो जाएगा, उसके बाद से अगर 2K 4 लिखा हुआ है तो 2 और K के बराबर डॉट लगेगा और 4 और K मतलब किलो ओम हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 किलो ओम होगा, उसके बाद से M 4 3 लिखा है तो M के बराबर डॉट लगेगा, उसके बाद 4 3 इसकी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो वही है कि स्टार्टिंग के 2 वैल्यू सेम लिखेंगे और तीसरे बराबर 0 लगाएंगे, तो अगर इसके बराबर हम 0 लगाते हैं तो 3 0 लगेगा और वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो गई तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.7 किलो ओम के अंदर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको भी हम ऐसे डिवाइड करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और अगर यही कैलकुलेट करके अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हो तो वही वैल्यू आएगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो बिना मल्टीमीटर से चेक किए भी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इतनी वैल्यू है। अगर आप मल्टीमीटर से भी आप चेक करोगे तो एक्यूरेट यही वैल्यू आएगा जितना हमने बिना मल्टीमीटर से चेक किए हुए इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें तो जो नेटवर्क रजिस्टर होता है, चिप रजिस्टर सॉरी नेटवर्क रजिस्टर जिसको पैकेज रजिस्टर बोलते हैं, जो एक ही बॉडी के अंदर होता है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी रजिस्टर, उसके ऊपर भी कोडिंग लिखा होता है, तो उस रजिस्टर को भी हम बिना मल्टीमीटर से चेक किए भी उसके अकॉर्डिंग जो उसके ऊपर वैल्यू लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाल सकता है। जैसे आगे ये है 103, तो 10 ये तो सेम 2 डिजिट है तो इसको सेम लिख देंगे, और तीसरे बराबर जो है हमें जीरो लगाना, तो 3 जीरो लग जाएगा। उसके बाद से ये 1000 से ज़्यादा होगा तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 10 किलो ओम के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कोई भी रजिस्टर के ऊपर जो अगर कोडिंग लिखा है असेंबली रजिस्टर, तो उसकी कोडिंग को हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो के लिखा हो, एम लिखा हो, या आर लिखा हो, या अगर ये इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं लिखा हो और डिजिट लिखा हो तो उसको भी सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगा जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है या कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।